हाँ यार बैठो, बताओ क्या बात है। सर वो एक्चुअली प्रोजेक्ट में काम बहुत ज्यादा है, हो नहीं पा रहा है। तुम्हारी टीम में तो दो फ्रेशर्स हैं पर एक एक्सपीरियंस रिसोर्स भी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? सर वो दोनों फ्रेशर्स कुछ काम नहीं करते, सारा दिन एमबीए की तैयारी करते रहते हैं। कल मैं उस लड़की के पास गया, मैंने उसको बोला कि यार ये काम क्यों नहीं किया। बोल रही बहुत लीड बन रहे हो ना, 2 साल में पता चलेगा असली लीड कौन है। बताओ सर मैं क्या बोलूँ इस पर। और सर जो एक्सपीरियंस रिसोर्स है वो तो छुट्टी पे रहता है, वो तो 10 दिन मैं बीमार हूँ, 10 दिन मेरी गर्लफ्रेंड बीमार हो जाती है। मैंने बोला भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी? बोला सर दिल्ली में पोल्यूशन ही इतना है। अच्छा टीम नहीं समझ रही मतलब तुमसे? चलो कोई नहीं देखता हूँ मैं। वैसे तुम्हारा अप्रेजल फीडबैक भी भरना था। अरे नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं संभाल लूंगा। मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेने आया था, आपकी हेल्प और गाइडेंस से करियर चल रहा है बस ये। वैसे तुम अच्छा कर रहे हो यार, कोई और प्रॉब्लम हो तो बताना। थैंक यू सर, बस आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहो। ओ हाँ सर वो थोड़ा अप्रेजल का देख लेना। अरे यार यहाँ पे खुद बहुत काम है, 4 प्रेजेंटेशन बनानी है अभी, ऊपर से वाइफ ने पद्मावत की टिकट बुक कर ली। चलो एक काम करो, 2 प्रेजेंटेशन तुम बना लेना, जल्दी नहीं है कोई, सुबह तक दे देना आराम से। ठीक है चलो मैं निकलता हूँ अभी, वरना लेट हो जाऊंगा मूवी के लिए, रात को बनाऊंगा फिर। हाँ सर मैं बना लूंगा, काम भी कर लूंगा सर और प्रेजेंटेशन भी बना लूंगा। सर बताइएगा मूवी कैसी लगी।